जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तिब्बतन मस्टिफ वर्सेस बॉक्सर। तिब्बतन मस्टिफ एक रिजर्व, इंडिपेंडेंट और इंटेलिजेंट होने के साथ एक एक्स्ट्रा लार्ज साइज डॉग ब्रीड है जिसका ओरिजिन तिब्बत से है। तिब्बतन मस्टिफ की हाइट 24 to 26 inches तक होती है और वजन 40 to 65 kg तक हो सकता है, इसी कारण ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज कैटेगरी में आते हैं। वहीं बॉक्सर एक एक्टिव, ब्राइट, फन और लविंग होने के साथ एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है जिसका ओरिजिन जर्मनी से है। बॉक्सर की हाइट 23 to 25 inches तक होती है और इसका वजन 30 to 35 kg तक हो सकता है, इसलिए ये भी लार्ज साइज कैटेगरी में आते हैं। ये तो हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन, अब बात कर लेते हैं कुछ मेजर फैक्टर्स के बारे में जिसे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डॉग ले सके। टोटल अटैक्स। अगर आप एक डॉग ऑनर है तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका डॉग किसी पर भी यूजलेसली अटैक कर दे, वरना डॉग अटैक्स के लिए आपको पुलिस के तक चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तिब्बतन मस्टिफ अपने टेम्परामेंट को लेकर एक्टिवली अलर्ट होते हैं और एग्रेसिव भी होते हैं। 2005 से 2007 तक तिब्बतन मस्टिफ ने 14 अटैक्स करे थे और स्टैटिक्स के हिसाब से ये नंबर 6th पर आता है। वहीं बॉक्सर अपने टेम्परामेंट को लेकर पेशेंस और प्रोटेक्टिव देखे जाते हैं। 2005 से 2007 तक बॉक्सर ने 7 अटैक्स करे थे और स्टैटिक्स के हिसाब से ये नंबर 9 पर आता है। इसमें एक पॉइंट जाता है बॉक्सर को। विद स्ट्रेंजर्स एंड किड्स। तिब्बतन मस्टिफ को स्ट्रेंजर्स के साथ अलर्ट रहते और बच्चों के साथ इन्हें सुपरविजन में रखने की सलाह दी जाती है। वहीं बॉक्सर भी स्ट्रेंजर्स के साथ अलर्ट और बच्चों के साथ बहुत ही आसानी से ढल जाते हैं, तो इसमें दोनों को एक एक पॉइंट जाता है। बाइट फोर्स एक अहम पहलू होता है किसी भी नस्ल की हार या जीत को तय करने के लिए, मगर ज्यादातर लोग इसे फाइट पैरामीटर से बाहर रखते हैं। वैसे हमने डॉग बाइट फोर्स और बिग कैट बाइट फोर्स पर भी वीडियो बनाई है, उसे भी देख सकते हैं आप। तिब्बतन मस्टिफ एक एक्स्ट्रा लार्ज साइज डॉग ब्रीड होने के साथ 550 PSI बाइट फोर्स जनरेट कर पाता है। वही बॉक्सर एक लार्ज साइज ब्रीड होने के साथ 230 PSI बाइट फोर्स तक जनरेट कर पाता है। बाइट फोर्स में बॉक्सर बहुत पीछे रह जाता है और तिब्बतन मस्टिफ बड़े अंतर के साथ आगे निकल जाता है। पॉपुलैरिटी किसी भी नस्ल की जानकारी और अवेलेबिलिटी को आसानी से लोगों तक पहुंचा देती है और लोग उस नस्ल को ठीक तरह से एक्सपीरियंस कर पाते हैं। पॉपुलैरिटी के मामले में तिब्बतन मस्टिफ 147 नंबर पर आता है, वहीं बॉक्सर 14th मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड है। तिब्बतन मस्टिफ इसमें बहुत पीछे रह जाता है। वॉच एंड प्रोटेक्टिवनेस। तिब्बतन मस्टिफ अमेरिकन केनाल क्लब के हिसाब से 5-star वॉच एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर डॉग ब्रीड है। वहीं बॉक्सर अमेरिकन केनाल क्लब के हिसाब से 4-star वॉच एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर डॉग ब्रीड है, तो इसमें भी एक पॉइंट जाता है तिब्बतन मस्टिफ को। इंटेलिजेंस एंड लाइफ स्पैन। तिब्बतन मस्टिफ टॉप 10 इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड की लिस्ट में नहीं आते और इसका लाइफ स्पैन 10 से लेकर 12 साल तक होता है। 2022 की रैंकिंग में बॉक्सर इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड की लिस्ट में नहीं था और AKC के हिसाब से इसका लाइफ स्पैन 10 से लेकर 12 साल तक होता है, तो दोनों को ही एक एक पॉइंट जाता है। एनर्जी लेवल। जैसे हम इंसान फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही डॉग्स की एनर्जी को चैनलाइज करवाने के लिए डेली एक्सरसाइज की जरूरत होती है, वरना डॉग ब्रीड एग्रेसिवली बिहेव करने लगती है। बॉक्सर एक वर्किंग डॉग ब्रीड होने के साथ हाईली एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है और एनर्जी लेवल में इसे 5-star रेटिंग मिला है। वहीं तिब्बतन मस्टिफ एक एक्स्ट्रा लार्ज साइज डॉग होने के साथ स्मार्टली एक्टिव होते हैं और इसे 3-star रेटिंग मिला है। वैसे इस चैनल पर हमने बहुत सारी वर्सेस की वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, आपके काफ़ी हद तक डाउट सॉल्व हो जाएंगे। इस वीडियो में हमने जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है वो हमने इंटरनेट से ली है, रियल टाइम इवेंट्स कुछ अलग हो सकते हैं। हमारा मकसद आप तक स्टैटिस्टिकल डेटा पहुंचाना है, ना कि किसी भी नस्ल को कम या ज़्यादा बताना। तो आपकी जो भी निजी राय और अनुभव हो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।